दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिविट आर्किटेक्चर के अंदर जो आपका डिटेल व्यू होते हैं कोर्स, मीडियम एंड फाइन, ये क्या होते हैं, कैसे सेट किया जाता है और कंप्लीट इनके बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास, मान लो मैंने एक वॉल ली है, तीन टाइप्स की मैंने वॉल ली है। ये वाली वॉल नॉर्मल है, जनरली 8 इंच। ये वाली वॉल मेरी है बेसिक वॉल, एक्सटीरियर ब्रिक वॉल जो काफी लेयर में बनी है, और ये वाली भी हमारी सेम है। ठीक है, हमने तीन वॉल ली। अब अगर आप, मैं पहले वॉल से अगर स्टार्ट करूं, तो जो ये मेरी वॉल है, अभी अगर आप टॉप व्यू से अगर इसको देख रहे हो और आप शेडेड व्यू के हिडन लाइन व्यू पे हो, तो आपको डायरेक्टली इस टाइप का प्रोफाइल नजर आता है। अगर आप चाहते हो कि मेरे को वो कंप्लीट लेयर्स देखनी है जितनी लेयर में मेरी वॉल बनी हुई है, तो उसके लिए अब यहाँ पे कोर्स डिटेल है। आप मीडियम डिटेल करेंगे तो आप देखेंगे कि काफी आपको जितनी भी लेयर में आपकी वॉल बनी हुई है वो सारी आपकी चीजें आ जाएंगी, और हर एक जो आइटम है आपका, ब्रिक है या फिर कंक्रीट है, वो सभी आपको दिखाई देगा एक हैचिंग में, अगर आप हो हिडन लाइन पे। अगर आप शेडेड करते हो तो पैटर्न चेंज हो जाएगा, और अगर आप रियलिस्टिक करोगे तो आपको रियल नजर आएगा कि क्या टेक्सचर है रियल में उसके, कि कहाँ पे क्या ब्रिक लगा है, वो सब चीजें आपको यहाँ पे नजर आती है। अगर आप लेवल को यहाँ पे फाइन कर देते हो, कोर्स करोगे तो आपको प्लेन ही नजर आएगी। क्लियर है? ओके, तो अभी के लिए मैंने इसको शेडेड किया। ये तो आप समझ गए होंगे कि ये किस तरीके से वर्क करता है। अगर आप यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे, कोर्स बिल्कुल प्लेन, मीडियम इस तरीके का आपका आएगा, और अगर आप फाइन करोगे तो भी आपका सेम है। मतलब मीडियम और फाइन में आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्या रीजन था, वो भी मैं आप सबसे डिस्कस करूंगा। ओके, तो अब इसकी बात करें, अगर इसको भी मैं फाइन डिटेल करूं तो आपको ये भी लेयर्स में दिख जाएगा। तो ये तो हो गई आपकी वॉल की बात। अब वॉल से आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं थोड़ा सा डोर के ऊपर। ओके, अब आप यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं इसको कोर्स डिटेल करता हूं, कोर्स डिटेल में अगर आप यहाँ पे डोर को देखते हो, यहाँ पे सिंपल आपको डोर को, ये जो डोर है आपका सिंगल फ्लश डोर है विदाउट फ्रेम, तो इसका फ्रेम नजर नहीं आएगा, सिंपल डोर का ये वाला पैटर्न नजर आएगा। इस वाले डोर को अगर देखते हैं तो यहाँ पे फ्रेम है, फ्रेम नजर आ रहा है और आपका डोर नजर आ रहा है, और ये डबल डोर है, इसमें भी आपको फ्रेम और डोर नजर आ रहा है। अगर मैं इसकी डिटेलिंग को मीडियम कर देता हूँ, तो मीडियम में भी आपको कोई डिफरेंस नजर नहीं आया। मतलब कोर्स और मीडियम एज इट इज है, और फाइन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही फाइन पे क्लिक किया तो जो अदर डिटेलिंग वाले पार्ट है इसके, ये आपको यहाँ पे अब नजर आ रहे हैं। क्लियर है? अगर मैं अब यहाँ पे इसको 3D में लेके जाता हूँ, अब 3D में देखता हूं अगर मैं इसे, और यहां से मैं इसे फाइन डिटेल करता हूं, तो आप यहाँ पे देखेंगे अब आपके हैंडल नजर आ रहे हैं। अगर आप कोर्स डिटेल करोगे तो आपका बिल्कुल प्लेन डोर नजर आएंगे, अगर आप मीडियम डिटेल करोगे तो सिंपल आपके लूअर्स नजर आएंगे जो आपके मलियंस हैं, और अगर आप फाइन डिटेल करोगे तो आपको हैंडल्स भी नजर आएंगे और साथ में ये भी नजर आएगा। अब ये सारी की सारी सेटिंग्स करनी पड़ती है कि कौन से डिटेल व्यू में मुझे क्या चीज एक्चुअल में देखनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अभी मान लो मेरे पास ये डोर है, अब अगर मैं टॉप से देखूं, फाइन डिटेल करने के बाद मेरे को ये हैंडल नजर आ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि मीडियम करने के बाद भी मुझे ये हैंडल नजर आए। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस डोर को सिलेक्ट किया और यहाँ पे आया आपका एडिट फैमिली, क्लिक ऑन एडिट फैमिली। एडिट फैमिली में जाते ही आपको अपना डोर दिखेगा, आप यहाँ पे फ्लोर प्लान पे चले जाए, रेफरेंस लेवल पे। अब रेफरेंस लेवल पे जाएंगे तो आप देखेंगे कंप्लीट डोर आपका बना हुआ है, कैसे कैसे कितने रेफरेंसेस से बना हुआ है। तो मेनली हमें बात करनी है इसके बारे में। अब मैं इन चारों को सिलेक्ट किया, एक ही को क्लिक करके चारों ही सिलेक्ट हो गए, और जाना है आपको विजिबिलिटी सेटिंग्स पे। क्लिक ऑन विजिबिलिटी सेटिंग्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी कि सिंबॉलिक एलिमेंट विजिबिलिटी यहाँ पे है। सिंबॉलिक एलिमेंट्स आर व्यू डायरेक्शन स्पेसिफिक, दे शो ओनली इन व्यूज पैरेलल टू देयर क्रिएशन व्यू, शो ओनली इन इंस्टेंस इन कट। ये इसका मतलब है कि जब आप इसे कट करेंगे, कोई भी सेक्शन कट करोगे तो ही नजर आए, और डिटेल व्यू में ओनली फाइन डिटेल में आपको ये नजर आए। अगर आप इसे मीडियम डिटेल पे भी क्लिक कर देते हैं, ओके कर देंगे, लोड इन टू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, ओवरराइड द एग्जिस्टिंग करोगे, और यहाँ पे आप देखोगे मीडियम पे भी आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। क्लियर है? ये आप यहाँ से कर सकते हैं। दोबारा आप इस पे क्लिक करें, आप इसका भी चाहते हैं यहाँ पे, इसको सिलेक्ट करो, एडिट फैमिली पे क्लिक करो, फ्लोर प्लान, रेफरेंस लेवल,
यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आप इस पे क्लिक करें, विजिबिलिटी सेटिंग्स पे जाएं, तो यहाँ पे वही सेम आता है जो जो व्यू में आपको चाहिए, कि मेरे को मीडियम पे भी देखना है या कोर्स पे भी देखना है, तो आप क्लिक कर दें, ओके करेंगे, लोड इनटू प्रोजेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट जो भी है उसमें आप यहाँ से लोड करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे कुछ भी करते हैं, अगर आप यहाँ पे कोर्स भी करेंगे तो भी आपको ये नजर आएगा। अभी आपको सिर्फ एक साइड का नजर आ रहा है क्योंकि मैंने एक ही साइड को सिलेक्ट करके चेंज किया था। ये देखो, इसको क्लिक करके करोगे, मतलब जो भी जिसको भी आप सिलेक्ट करके करोगे वही चेंजेस आपके यहाँ पे आ जाएंगे। क्लियर है? आप हैंडल भी देखना चाहते हो, मैंने दोनों हैंडल को यहाँ पे, एक हैंडल को सिलेक्ट किया विजिबिलिटी सेटिंग, इसको भी मैंने मीडियम में कर दिया। अब यहाँ पे ऑप्शन है डिस्प्ले इन 3D व्यू, क्योंकि ये हैंडल 3D व्यू में नजर आया था जब आपने 3D किया था, तो यहाँ पे गिवन है कि भाई 3D व्यू में फ्रंट और बैक करोगे, लेफ्ट राइट करोगे तो भी आपको नजर आएगा, बट 3D व्यू में प्लेन करोगे तो नजर नहीं आएगा। अगर आप इसे चेक कर दोगे तो 3D व्यू में जब आप टॉप व्यू पे जाएंगे तो भी आपको नजर आएगा। ओके, तो मान लो मैंने हैंडल को भी मीडियम में कर दिया, अगर मैं ओके करता हूँ, लोड इनटू प्रोजेक्ट किया, ओके पे क्लिक किया, ओवरराइड द एग्जिस्टिंग वर्जन किया, तो अगर मैं अब यहाँ पे मीडियम करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं 3D में जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे अगर मीडियम करता हूँ तो यहाँ पे देखो इसका हैंडल मीडियम में भी नजर आ रहा है क्योंकि मैंने 3D वाला किया। क्लियर है? तो ऐसे आप कर सकते हैं, हर एक सिंगल सिंगल पार्ट को आप अपने तरीके से सेट कर सकते हैं कि किस व्यू में मुझे एक्चुअल में देखना क्या है। क्लियर है? तो ये कहाँ पे काम आता है? सबसे ज्यादा ये काम आता है जब आप डिटेलिंग का कोई भी काम करते हो। नॉर्मली तो हम कोर्स पे होते हैं जो बाय डिफॉल्ट सेट होते हैं। कोर्स पे क्या है कि आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ती, ना आपको कुछ होच पोच नजर आता, बिल्कुल प्यार से आप अपने काम को कर लेते हैं। बट जब बात आती है डिटेल की, हर एक सिंगल सिंगल डिटेल आपको देखनी है, जब आप सेक्शन कट करोगे, मान लो आपको उसकी डिटेल देखनी है, या आपने सेक्शन कट किया, यहाँ पे आपने इस डोर का सेक्शन कट किया, अब मैं अगर मीडियम डिटेल करता हूँ तो हैंडल नजर आता है, फाइन डिटेल करता हूँ तो जितने भी पार्ट है वो सारे के सारे नजर आएंगे आपके इसके अंदर। ओके, तो ये इन सब चीजों में हम इसका यूज करते हैं कि क्या क्या मुझे डिटेल चाहिए, कैसे कैसे डिटेल चाहिए, वो सब चीजें हम यहाँ से कर सकते हैं। एक और चीज, अब आप ये वॉल है, इस वॉल पे अब आप कोर्स व्यू में है। ओके, अब आप चाहते हो कि इस वॉल पे पैटर्न नजर आए मुझे, तो उसके लिए आपको क्लिक करना है, एडिट टाइप पे जाना है, और आपको जाना है कोर्स स्केल फिल पैटर्न पे। यहाँ पे क्लिक करें और आप कोई भी पैटर्न डाल दो, मेरे को मान लो मेज़ोनली ब्रिक का मैंने डाला, ओके, और यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो पैटर्न का जो भी आपको पसंद है, ओके करें। ओके करने के बाद देखेंगे आपकी वॉल में पैटर्न आ गया, बट किसमें? ओनली कोर्स व्यू में। मीडियम करोगे तो पैटर्न नजर नहीं आएगा, अगर फाइन करोगे पैटर्न नजर नहीं आएगा, तो ओनली कोर्स व्यू में नजर आएगा क्योंकि हम बाय डिफॉल्ट कोर्स में ही काम करते हो, तो इसने सेटिंग भी कोर्स की ही यहाँ पे दी हुई है, कोई यहाँ पे इसने डिटेल की उसकी सेटिंग नहीं दी हुई। बट आप इसको एडिट टाइप पे जाके अपने वॉल के प्रोफाइल को चेंज करके उसके पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हो। मतलब रेविट में आप किसी भी चीज से रिलेटेड कुछ भी कर सकते हो, सिर्फ आपको करने का तरीका पता होना चाहिए कैसे करना है, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है रेविट में, कोई भी चीज आप अपने तरीके से चेंज कर सकते हो। क्लियर है? तो ये था आपका कोर्स मीडियम एंड फाइन डिटेल। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। सो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच।